किसान बिल को लेकर दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव में किसानों को बीजेपी के पदाधिकारियों ने दी बिल की जानकारियां। दिल्ली के खेड़ा खुर्द गांव में केंद्र सरकार द्वारा संसद में पारित कृषि सुधार बिल की जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी के बड़ी संख्या में नेता किसानों के बीच में पहुंचे। यहां विधि विधान पूर्वक सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी नेता सिद्धार्थन के द्वारा ट्रैक्टर की पूजा की गई। क्या होता था, हमारी फसल को जो हमारे व्यापारी थे वो मान लो 2000 रुपये गेहूँ थे तो वो 1400-1500 रुपये में खरीदते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के हित को देखकर इतना अच्छा काम किया कि किसानों की दशा सुधरेगी, किसान अपने माल को कहीं भी बेच सकता है, पूरे भारत में किसान अपने माल को पूरे भारत में कहीं भी बेच सकता है जहां उसको अच्छे दाम मिले। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भी नहीं जा सकते थे। आज यूपी का आदमी हरियाणा में भी अपना किसान भाई अपना माल बेच सकता है, जहां भी उसको उचित दाम मिलेगा वहां बेच सकता है। आज ऑनलाइन के माध्यम से भी अपने माल को देख सकता है कि आज हरियाणा में गेहूँ का भाव ये है, जीरे का भाव ये है, गुड़ का भाव ये है, खांड का भाव ये है, पहले कितने भाव थे हर चीज़ पे। आज किसानों के हित में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सेवा योजना, कृषक क्रेडिट कार्ड, अनेक ऐसी योजनाएं किसानों के हित में की है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से सम्मान करता हूँ, कोटि कोटि नमन करता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय भारत। इस मौके पर बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष विनोद सहरावत, पूर्व विधायक नींदमन खत्री, सभी मंडल अध्यक्ष, निगम पार्षद और बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का संयोजन अर्चना दिलीप सिंह, उमेश आत्रे, जोगिंदर मान, सुमित राणा, जिला संयोजक संजय डवास ने की। इस मौके पर प्रमुख समाज सेवी सूर्य प्रकाश भारद्वाज का कहना है कि मोदी सरकार ने यह फैसला लिया है, इसे किसानों को काफी राहत मिलेगी और विपक्ष किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। सूर्य प्रकाश भारद्वाज ने कहा कि वह खुद एक किसान का बेटे हैं और वह किसानों की समस्याओं को भली भांति समझते हैं। खेड़ा खुद्र में वहां मौजूद सभी किसान भी सूर्य प्रकाश भारद्वाज और दूसरे बीजेपी के नेताओं की बातों से पूर्णतः सहमत नजर आए।